गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। अच्छा तो आज है चैलेंज वन वीक व्लॉगिंग चैलेंज का दूसरा दिन। क्या बात कर रहे हैं? अभी अभी उठा हूँ तो काफ़ी ठंडा मौसम लग रहा है। नींद बहुत आ रही है यार, पर क्या करो, उठना पड़ेगा। पंखा बंद करके चले जाते घर वाले। तो चलो ठीक है, मैं हाथ मुँह धोता हूँ और फिर कंटिन्यू करता हूँ व्लॉग को। तो गाइस सबसे पहले हम खाना खाने लगते हैं, भूख लग रही थी काफ़ी मेरे को। तो गाइस आज घर पे बनाया था दाल बाटी। जिस दिन दाल बाटी बनती है उस दिन मेरी भूख ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा तो उठ के सबसे पहले मैंने हाथ मुँह धो के सबसे पहले खाना खा लिया। इतना जल्दी खाना मैं खाता नहीं हूँ, बट जिस दिन दाल बाटी होती है उस दिन मेरे को पता नहीं क्यों भूख लग जाती है। सो सबसे पहले खाना इन्जॉय करते हैं, फिर उसके बाद फिर दूसरा काम करेंगे। सो जुड़े रही वीडियो के एंड तक। तो गाइस देख सकते हैं बाहर का माहौल कैसा लग रहा है। पूरा माहौल काफ़ी अच्छा, ठंडा मौसम है और बारिश भी आ रही है, कभी रुक रही है, बूंदाबांदी चल रही है। क्या करने वाले हैं वो मुझे भी पता नहीं है, बाकी कुछ ना कुछ तो करेंगे। सो डोंट स्किप दिस वीडियो एंड एंजॉय दिस वीडियो, बाय। गाइस हम बनाएंगे इंट्रो वीडियो जो कि एक्टिंग से रिलेटेड होने वाला है। तो सबसे पहले हम नहा धो के रेडी हो जाते हैं, उसके बाद बनाएंगे इंट्रो वीडियो। इंट्रो वीडियो में क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या होगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और क्या होता है इंट्रो वीडियो और कैसे बनाते हैं, कैसे शूट करते हैं, वो सब आपको डिटेलिंग में बताऊंगा मैं इस वीडियो में। सो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। 5 minutes later गाइस हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं और जैसे कि आज हमने पहनी है फॉर्मल ड्रेस। तो आप भी हमेशा ध्यान रखिए, अगर कहीं भी आप किसी भी कोऑर्डिनेटर को अगर आप अपनी प्रोफाइल सेंड कर रहे हो तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, आप जितना सिंपल उनको बता सकते हो उतना सिंपल आप बताइए। तो सबसे पहले आप अच्छी सी ड्रेस वेयर करिए जो कि मेरे हिसाब से फॉर्मल बेस्ट रहती है। तो हमने फॉर्मल पहन ली है और आज हमारे शूट करने में हमारा साथ देगा ये। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाय माय नेम इज दीप कुमार एंड आई एम फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र एंड आई एम स्पीकिंग थ्रिलिंग आई एम स्पीकिंग हाय माय नेम इज दीप कुमार आई एम फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र एंड ये सब क्या देखना पड़ रहा है। हाय माय नेम इज दीप कुमार आई एम फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र एंड आई एम लिविंग फॉर लैंग्वेज हाय माय नेम इज दीप कुमार आई एम फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र आई स्पीक इन थ्री लैंग्वेजेस हिंदी इंग्लिश एंड मराठी एंड माई वर्क एक्सपीरियंस 3.5 ईयर्स एंड आई एम 23 ईयर्स ओल्ड माई हाइट 5.5 फुट एंड माई प्रोफाइल आर थैंक यू। तो गाइस फाइनली इंट्रो वीडियो कंप्लीट हो चुका है और आज मैं आपको इंट्रो वीडियो से रिलेटेड कुछ बातें बताना चाहता हूँ जितना मेरे को पता है। तो आप जब भी कभी इंट्रो वीडियो शूट करें उसमें आपका नाम, आपकी हाइट, आप कितने साल के हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप कितनी लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं, आपको वर्क एक्सपीरियंस कितना है, सब कुछ जानकारी देनी होती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आप अपना लुक, अपना जो आउटफिट है वो जितना सिंपल हो सकता है, जितना सिंपल आप बता सकते हो उतना सिंपल बताइए और डिसेंट लुक बताइए। तो उससे क्या है कि अट्रैक्ट होते हैं, कोऑर्डिनेटर को अच्छा लगता है। आप जब भी कभी ट्राई करें आप ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिए कि आप जितना सिंपल बता सकते हैं उतना सिंपल बताइए। तो हम अब निकलेंगे क्योंकि हमारा जो पुराना वाला घर है वहाँ पे वाटर लीकेज हो रही है और बारिश का पानी घर में जा रहा है। तो हम जाएंगे वहाँ पे और क्या प्रॉब्लम है हम वहाँ देखना पड़ेगा और सही रिपेयर करना पड़ेगा उसे। तो सीधे चलते हैं हमारे घर पे। तो गाइस पापा आ चुके हैं। ये हमारा पुराना वाला घर जो कि बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ। सो आपको इस घर के बारे में अगर पूरा व्लॉग देखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जब हमारा नया घर नहीं बना था तब हम यहीं रहते थे और ये बाहर मम्मी ने पेड़ लगाए थे और इस बार हम बहुत टाइम बाद आ रहे हैं। और ये देखिए, तो गाइस ये है पॉलीथिन जो कि अभी पापा लेके आ चुके हैं और इसको अब हमें डालना है ऊपर क्योंकि ऊपर लीकेज हो रही है, वाटर लीकेज। तो अभी गेट खोल के अंदर जाएंगे और देखेंगे कितना बारिश का पानी अंदर गया है। काफ़ी अंधेरा है
और कुछ दिख भी नहीं रहा होगा गाइस आपको। हम ऊपर आ चुके हैं और अब वहाँ जाके हमें यहाँ कुछ पॉलीथीन डालनी है, क्योंकि ज़्यादा लीक यहीं से हो रहा है और वहाँ से भी हो रहा है थोड़ा बहुत। तो दोनों जगह मम्मी जाएंगी और वहाँ जाके पॉलीथीन लगाएंगी। मम्मी आराम से, हाँ केयरफुली। फाइनली पॉलीथीन लगा चुके हैं मम्मी पापा और अभी देखते हैं कि नीचे लीकेज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं है और हम काफ़ी टाइम से यहाँ आए भी नहीं थे। तो अभी जैसे तैसे हमने पॉलीथीन लगा तो दिया है, बाकी अभी जो भी होगा वो हमें कल पता चलेगा कि लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हमें वेट करना पड़ेगा कल तक का। तो गाइस मिलते हैं अब कल, यानी कि चैलेंज के तीसरे दिन। तब तक के लिए बाय बाय।